जिस इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद ने रिलीजन ऑफ पीस कहा था। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद से इस्लाम में जो लोगों ने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया उसके बाद से ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से आज बहुत मुश्किल है इस्लाम में पीस ढूंढना। और उस पॉलिटिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डिवीजन इन इस्लाम, शिया एंड सुन्नी, जिसका इम्पैक्ट इतना लंबा रहने वाला था कि उस वक्त के लोगों ने ये भी नहीं सोचा होगा कि 21st सेंचुरी में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना बड़ा रहेगा कि दो मुस्लिम सेक्शंस में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतनी वॉर्स होंगी जिसकी वजह से कितने ही मासूमों की जान जा चुकी होगी। For those who may not know, the division between Sunnis and Shias goes back to the very beginnings of Islam as to who was to succeed the Prophet. Now, despite the more than 100 million Shia dwelling both here in Iran and in Iraq, the overwhelming majority of Muslims around the globe are Sunni. और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता कि अपने आप को शिया कंसीडर करना या सुन्नी कंसीडर करना अपने आप को ही इस्लाम से इनको दूर कर देता है अकॉर्डिंग टू कुरान। बट कैसे, इस बात को हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रहे हैं। अपने बिलीव्स, रिचुअल्स, लॉज और रिलीजन की स्टडी में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये दोनों सेक्ट्स काफ़ी लंबे टाइम तक शांति से एक दूसरे के साथ रहे थे, लेकिन 1970s और 80s आते तक दोनों सेक्ट्स के बीच डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, जो कि धीरे धीरे एक्सट्रीम वायलेंस और ब्लडशेड में कन्वर्ट हो गए। 8th of October 2001 को अफगानिस्तान के कुंदू शहर में फ्राइडे प्रेयर के दौरान शिया मॉस्क में सुसाइड बॉम्बिंग की घटना हुई। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसा बताया गया है कि अटैक के पीछे इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस है, जो कि एक एक्सट्रीम सुन्नी बिलीफ पर चलने वाला एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद 15th of October को अफगानिस्तान के ही कंधार डिस्ट्रिक्ट में शिया मॉस्क को टारगेट किया गया, जिसमें 35 लोगों की जान गई और लगभग 68 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। और इसी शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। इस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इराक में वायलेंस हुए थे और वेस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज थे जैसे बहरेन, यमन, वहाँ पे भी इन्हीं की वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। ये कोई नेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स कहते हैं शिया मुस्लिम्स नहीं है, शिया मुस्लिम्स कहते हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स नहीं है। ये सब स्टार्ट हुआ था आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। लोगों को कन्फ्यूजन था कि अब इस्लाम को लीड कौन करेगा, क्योंकि प्रॉफिट ने जब वो जिंदा थे उन्होंने कभी बताया नहीं था कि मेरे बाद ये इस्लाम को लीड करेगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि लीडर किसको बनाए। कुछ लोग ये कहते थे कि अबू बकर सिद्दीक लीडर होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि क्योंकि हज़रत अली वो कज़िन है प्रॉफिट के तो उनको लीडर बनना चाहिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, लोग कन्फ्यूज हो गए कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए, क्योंकि दो डिवीज़न हो चुके थे यहाँ पे। कोई कहता था अबू बकर सिद्दीक, कोई कहता था कि हज़रत अली। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की पसंद थे अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि उन्होंने सबसे लंबा टाइम प्रॉफिट के साथ बिताया था, इंक्लूडिंग उमर बिन खत्ताब, जिन्होंने जो इस्लाम के सबसे प्रोमिनेंट नेम्स में से एक है, उन्होंने भी नॉमिनेट किया था अबू बकर सिद्दीक को। और इन दी एंड वही हुआ, अबू बकर सिद्दीक को बनाया गया खलीफा। उनके बाद जो खलीफा बने वो बने उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब के बाद जो बने वो बने उस्मान बिन अफ़ान। और उनके बाद चौथे खलीफा बने हज़रत अली। लेकिन जो शिया कम्युनिटी थी, जो शिया लोग थे, वो ये कहते थे कि हम जो तीन स्टार्टिंग के जो खलीफा हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो जो पहला खलीफा उनके लिए अबू बकर सिद्दीक नहीं है, ना उमर बिन खत्ताब है, ना ही उस्मान बिन अफ़ान है। उनके हिसाब से हज़रत अली उनके पहले खलीफा हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस जो हमको समझ में आता है शिया और सुन्नी के बीच में वो ये है कि सुन्नी वो मानते हैं जो एक्चुअल में हुआ था, और शिया वो मानते हैं जो वो चाहते थे कि ऐसा हो। मतलब शिया ये कहते हैं कि हमारे ओपिनियन में हज़रत अली पहले खलीफा होने चाहिए, और उसी ओपिनियन को वो रियलिटी भी मान लेते हैं। जिस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का को जीत लिया था उस वक्त इस्लाम बहुत बड़ा बन चुका था, बहुत सारे लोग ऐड हो चुके थे उसमें, इसलिए हर इंसान चाहता था आफ्टर प्रॉफिट वो लीड करे, वो खलीफा बने, जैसे कि अंसार कबीले के कुछ लोग। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक को बना दिया गया था खलीफा, उसके बाद पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था, क्योंकि जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे उन्होंने इसमें पॉलिटिक्स को घुसेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से शिया और सुन्नी एग्जिस्टेंस में आए। सुन्नीस कहते हैं कि हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, हम लोग अहल अल सुन्ना है, हम लोग वो जो ट्रेडिशन था हम उसको फॉलो करते हैं। और अहल अल सुन्ना जो वर्ड है, सुन्नी वर्ड का जो ओरिजिन है वो अहल अल सुन्ना ही है। तो वहीं दूसरी जगह एक ग्रुप आया जो अली को सपोर्ट करते थे, और उस ग्रुप का नाम था शियत अली, जिसका मतलब होता है पार्टी ऑफ अली। तो ये पार्टी ऑफ अली जो था, इसका शियत अली जिसको कहा गया, जो शिया वर्ड आया है उसका जो ओरिजिन है वो शियत अली ही है। अब जब हज़रत अली जब फोर्थ खलीफा बने, वो खुद अपने आप में एक प्रोमिनेंट लीडर है इस्लाम की हिस्ट्री में, उनके बेटे थे हज़रत हुसैन, और उस वक्त एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था यजीद। यजीद ने ऑफ़र किया हुसैन को, उन्होंने ये कहा कि आप मेरे साथ हो जाओ,
क्यों? क्योंकि यजीद वहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ना चाहता था, हुसैन के साथ जुड़ना चाहता था, ताकि वो भी अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सके इस्लामिक वर्ल्ड पे, जिसको रिजेक्ट किया था हुसैन ने। और जब रिजेक्शन मिल गया, उसके बाद यजीद ने हजरत हुसैन के अगेंस्ट में योजनाएं बनाना शुरू करी इनका कत्ल करने के लिए, और आज भी वो इंसिडेंट को करबला के नाम से जाना जाता है। 680 AD में हुसैन ने मदीना से मक्का की और हज के पर्पज़ से जर्नी स्टार्ट की, और उन्हें पता चला कि यजीद के लोग उनका कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि काबा एक पवित्र जगह है, इसलिए हुसैन किसी भी तरह का वायलेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होने देना चाहते। उन्होंने अपना रास्ता बदला और वो कूफा की तरफ चल दिया, और उन्हें यजीद की सेना ने घेरना शुरू कर दिया। और ऐसे में हजरत हुसैन जो थे वो करबला पहुँचे। यजीद का खौफ देखकर इराक और कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया था, और इन दी एंड जो रिजल्ट आया था उस इंसिडेंट का, वो आज पूरी दुनिया मुहर्रम पर देखती है, जिस तरीके से उनकी डेथ का मातम बनाया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से शिया और सुन्नी एक दूसरे को ब्लेम करते थे इनकी डेथ के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शिया मुस्लिम्स को या शिया के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे शुरू से, और अभी भी हमने बात करी थी कि जो अभी कुछ दिन पहले हुआ 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान में, या 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान में, ये अभी के ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल मैंने दिए। इससे पहले कि शुरू से शियाज के जो मॉस्क होते हैं या जो इनके धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे ऐसे अटैक्स देखने को मिलते रहते हैं। अब अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही वन उम्मा वन नेशन का है, तो फिर सबसे ज़्यादा डिवीजन इस्लाम में क्यों है, और कौन सा मुसलमान सही है, शिया मुसलमान सही है या सुन्नी मुसलमान सही है, हम किसको सही माने? क्योंकि ये दोनों तो कहते हैं कि शिया कहता है सुन्नी मुसलमान नहीं है, सुन्नी कहता है कि शिया मुसलमान नहीं है। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप अपने आप को शिया कंसीडर करते हैं, अगर आप अपने आप को सुन्नी कंसीडर करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इस्लाम से दूर कर देती हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। इस्लाम इज बेस्ड ऑन कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद हदीस, सो देयर इज नो मेंशन ऑफ शिया एंड मुस्लिम इन कुरान। जहाँ डिवाइड होने जैसी चीज़ को कुरान साफ मना करता है। इन कुरान सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 103। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूरह अल अनाम चैप्टर 6 वर्स नंबर 169 भी हमें ये क्लियर करती है, कोई भी डिवीजन को कुरान ने प्रमोट नहीं किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोथ शिया एंड सुन्नी जो अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, ये अपने आप को डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि जिस होली बुक कुरान को आप मान रहे हो उसकी बात तो आप मान नहीं रहे, और जो चीज़ पॉलिटिकली शुरू हुई थी उसकी वजह से डिविजन्स हुआ, जिसका अपोज कुरान कर रहा है और आप डिविजन्स में खड़े हो। और इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट करने से पॉलिटिक्स ऐड करता है एक्सट्रीमिज्म उसमें। इमेजिन करो कि इस्लाम, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था वन नेशन वन उम्मा, एक सब लोग एक, उस चीज़ में अगर पॉलिटिक्स ऐड हो गई तो लोग उस एक वन नेशन में 72 फिरकों में या 72 डिवीजन में बट चुके हैं। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो एक रिलीजन को टुकड़ों में बांट सकती है। तो इमेजिन करो कि दो रिलीजन, एग्जांपल के लिए हिंदू मुस्लिम, इसमें अगर पॉलिटिक्स ऐड कर दी जाए तो फिर क्या हाल हो। किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का जो बेस्ट वे है वो है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ना, ना कि हिस्टोरिकल इवेंट्स में इमोशनली एक्ट करना। हिस्टोरिकल इवेंट में जो कुछ हुआ उसको आज याद करके इमोशनली रिएक्ट करना, जैसे कि शिया मुस्लिम्स करते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को आपके रिलीजियस प्रिंसिपल ने प्रमोट ही नहीं किया, उसको आप खुद इमोशनली प्रमोट करने लगोगे तो वो टोटल इलॉजिकल सी बात लगती है। इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।